मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य में 15 दिन और बड़ी पाबंदियां। नागपुर में पेट्रोल पहुंचा 100 के पार। कोवैक्सीन के प्रति महीने 11 करोड़ डोज बनाना कठिन। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राज्य में 15 दिन और बड़ी पाबंदियां। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए राज्य में लागू की गई पाबंदियों को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि आगामी 1 जून को नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज कहा, जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, इसे 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन इससे संबंधित दिशा निर्देश 1 जून को जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों में ढील नहीं दी जाएंगी जहां संक्रमितों की संख्या और संक्रमण की दर अब भी ज्यादा है और अस्पतालों में बिस्तर मिलने की समस्या है। मंत्री ने कहा, जिन क्षेत्रों में स्थिति में सुधार हुआ है, वहां पाबंदियों में ढील देने के बाबत कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। तो वही दूसरी ओर नागपुर में पेट्रोल पहुंचा 100 के पार। आखिरकार नागपुर शहर में पेट्रोल का रेट 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। शुक्रवार देर रात तेल कंपनियां द्वारा जारी किए गए शनिवार के रेट के अनुसार पेट्रोल में 23 पैसे और डीजल में 29 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे शनिवार 29 मई को सुबह 6 बजे से नागपुर शहर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 100.2 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर के रेट पर बिकेगा। तो वही तीसरी ओर कोवैक्सीन की प्रति महीना 11 करोड़ डोज बनाना कठिन। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों ने 11 करोड़ प्रति महीने डोज के लिए बड़े पैमाने पर पैसा झोंकना शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक लिमिटेड फिलहाल प्रति महीने 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर पाता है। इसकी उत्पादन क्षमता जुलाई अगस्त तक 5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इस वक्त केंद्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उपक्रमों बायोफॉर्म्यू स्टील कॉरपोरेशन, मुंबई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की हैदराबाद स्थित इकाई, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और बायोलॉजिकल्स लिमिटेड बुलंदशहर को अनुदान दे रहा है। 65 करोड़ का अनुदान पाने वाला HBC प्रति महीने 2 करोड़ डोज का उत्पादन करेंगे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ लाइव पर। नमस्कार।